दोस्तों बिहार में जमीन की खरीद बिक्री में आपसी झगड़े और धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए निबंधन नियमावली में संशोधन का असर दिखने लगा है और फोटो से जमीन की बिक्री नहीं हो पाएगी बल्कि अंगूठा का निशान लगाना पड़ेगा। 22 फरवरी से लागू इस नए नियम के मुताबिक केवल वही व्यक्ति जमीन बेच पाएंगे जिनके नाम से जमाबंदी होल्डिंग कायम होगा। इस नियम का व्यापक असर रजिस्ट्री पर पड़ा है और स्वयं के नाम से जमाबंदी के साथ उसका आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होना भी जरूरी है। गवाह का सत्यापन भी जरूरी कर दिया गया है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने से काम नहीं चलेगा। अब बेचने और खरीदने वालों के साथ ही गवाह के आधार कार्ड से अंगूठे का मिलान किया जाएगा और इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। जिला अवर निबंधक धनंजय कुमार राव ने बताया कि निबंधन की संख्या में 50% तक की कमी आई है। आम दिनों में औसतन 80 से 100 तक निबंधन होते थे। अन्य निबंधन कार्यालयों में यह गिरावट 60 से 70% तक की है और इससे राजस्व में काफी कमी आई है। नए नियम से फिलहाल लोगों की परेशानियां बढ़ गई है और उन्हें अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। हालांकि लोगों की समस्या दूर करने के लिए हलकों में शिविर अब लगाए जाएंगे और शिविर लगाकर जमाबंदी की जाएगी। बता दें कि राज्य में जमीन बेचने में फर्जीवाड़े पर अब पूरी तरह से रोक लगने वाली है और लोगों की समस्या को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि जिन परिवारों में अभी तक पूर्वजों के नाम से ही जमाबंदी है, अभी तक उन्होंने आपसी बंटवारा करके अपने नाम से जमाबंदी कायम नहीं कराई है, उनके लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है और हलकों में शिविर लगाए जा रहे हैं। सप्ताह में 3 दिन शिविर लगेगा, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ये तीनों दिन शिविर लगाकर जमाबंदी कायम किया जाएगा और जहां लोग जमाबंदी अपने नाम से करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको 8 प्रकार के कागजातों की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें पहला जो कागजात होगा लगान रसीद की छाया प्रति। जिस मौजा की जमीन होती है उसे उस मौजा का राजस्व कर्मी जारी करता है और इसके लिए सरकार की ओर से तय निर्धारित माल गुजारी सरकारी खजाना में जमा करवाना होता है। दूसरा इसमें कागजात है भूमि से संबंधित दस्तावेज, केवाला, खतियान आदि। और इसमें आप जिस जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं उस जमीन का केवाला और खतियान जमा करना होता है। तीसरा कागज है इसमें वंशावली, इसमें जिस व्यक्ति के नाम की जमीन है उसके पुत्रों, पुत्रियों, पुत्रों के पुत्र और पुत्रियों आदि को एक कागजात पर सिलसिलेवार तरीके से लिखना वंशावली जमा करना होगा। चौथा इसमें कागजात है जमाबंदी रैयत का मृत्यु प्रमाण पत्र। और इसमें पांचवा कागज जो की इसमें आवश्यकता पड़ेगी 100 रुपए के स्टाम्प पर बंटवारा का शेड्यूल। स्टाम्प पेपर रजिस्ट्री कार्यालय के वेंडर से मिलेगा और जो कि 100 रुपए लिखा हुआ सादा कागज होता है, इसी पर जमीन का बंटवारा किया जाता है जो कि विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद वैध बंटवारा बन जाता है। छठा कागज आधार कार्ड और सातवां कागज सभी हिस्सेदारों की सहमति, इसमें हस्ताक्षर जरूरी होगा, सभी हिस्सेदारों की सहमति के साथ हस्ताक्षर। और इसमें आठवां कागज SDM कार्यालय से जारी शपथ पत्र, SDM के कार्यालय से आपको शपथ पत्र जारी करवाना होगा और इसके बाद ही आप किसी जमीन को बेच पाएंगे। बता दें कि बिहार में जमीन निबंधन की नई रूलबुक लागू होने पर ऐसे दलालों की दुकान बंद होने वाली है। अब जिसके नाम से जमीन की जमाबंदी कायम होगी एवं रजिस्टर 2 में नाम दर्ज होगा वही जमीन बेच पाएंगे। और नए नियम के बाद निबंधन कार्यालयों में दलालों के लिए बेहद ही सन्नाटा का माहौल है। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। बिहार से संबंधित और भी महत्वपूर्ण अपडेट को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।